अगर आप भी अभी तक पांडे टेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन। सीक्रेट कोड है, होंगे जरूर होंगे, सबकी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट कोड होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं उनके लिए पर्सनल। तो ऐसे ही हमारे स्मार्टफोन में भी कुछ सीक्रेट कोड बनाए गए हैं जिनकी मदद से आप उनके बहुत सारे फीचर अनेबल कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जो कि 80% लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम लोग कुछ सीक्रेट कोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो ऊपर दिए गए आई बटन में अपना पोल करें। दोस्तों, अगर आपको अपना मोबाइल का रेडिएशन चेक करना है कि वो किस लेवल पे है, कितने वाट पर केजी पे है, उसका रेडिएशन क्या है, वो आपके लिए ख़तरनाक है या फिर नॉर्मल रेट पे चल रहा है, उसकी सार वैल्यू क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग अपने मोबाइल में देख नहीं पाते हैं, जिसकी मदद से हमको होता नहीं, सुनने में आता है कि इसका कान ख़राब हो गया, इसका माइंड डेवलप नहीं कर पा रहा है, इसको ब्रेन कैंसर हो गया। तो ऐसे हमारे मोबाइल से निकलने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से भी हो सकता है, इसको हमको ज़रूर चेक करना कर लेना चाहिए जब हम अपना स्मार्टफोन लेते हैं, या फिर आपके पास है तो भी आप चेक कर लीजिए रेडिएटेड नहीं है, या फिर अगर है तो इसको बदल देना चाहिए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चीज़ है रेडिएशन। आप सब रेडिएशन के बारे में ज़रूर जानते होंगे। मैं इसको चेक करने का कोड बताऊंगा आप लोगों को। साथ ही अगर आप लोग कोई पुराना फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो उसके सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट कैसे 5 मिनट के अंदर चेक कर पाएंगे, आज मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। क्योंकि होता ये है कि जब लोगों का फ़ोन ख़राब हो जाता है तो सेकंड हैंड बेचना चाहते हैं, धोखा दे देते हैं कि सारा सामान सही है, सारा पार्ट सही है, और आप लोग शायद सारा चेक भी ना कर पाएँ, इसलिए आप लोग धोखे का शिकार ना हो, इसलिए मैं आपको एक ऐसा कोड बताऊंगा जिसकी मदद से आप 5 मिनट के अंदर पूरे गैजेट के सारे पार्ट, जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लाइक डिस्प्ले, कैमरा, टच, माइक, स्पीकर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं सारे चेक कर पाएंगे। साथ ही आप गिनने चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल किसी को दें कॉल करने के लिए, और आपसे होता ऐसा है कि कोई मांग लेता है भाई 5 मिनट बात करा दो यहाँ पे, या फिर कोई भी घर वाला ही अगर बोल दे कि ये किसका नंबर है, कहाँ बात करते हो, ऐसे कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन से कॉल ना जाए, चाहे आप कॉल मोबाइल किसी को दे ही दें, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही उसके लिए मैं एक ऐसा कोड बताऊंगा जिससे आप लोग जब चाहेंगे तो उसको अनेबल कर देंगे या डिसेबल कर देंगे, जब आपकी मर्ज़ी होगी तभी कॉल सामने वाले के पास जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहें, आप लोग वीडियो पे बने रहें, अगर आपको अच्छा लगे तो अपना लाइक, कमेंट और अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट यूजुअल सीक्रेट कोड है वो है कॉलर आईडी हाइड करने के लिए, जिससे होगा ये कि आपका कॉलर आईडी हाइड हो जाएगा और आपका ऑपरेटिंग मतलब जो भी सिम ऑपरेटर होगा वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिससे होगा कि आपकी कॉल लगने नहीं देगा। तो इसका जो कोड है वो है *#31#। इसके बाद आप अपने ग्रीन वाले कॉलर बटन पर क्लिक करें, इससे होगा कि आपका आइडेंटिटी मतलब कॉलर आईडी हाइड हो जाएगा, जिससे आप की कॉल नहीं जाएगी। आप किसी को भी कॉल करेंगे तो इससे आप कॉल नहीं जाएगा, आप किसी को भी मोबाइल दे दें आपके मोबाइल से कॉल नहीं कर पाएगा। इसको डिसेबल करने के लिए जो दूसरा कोड है वो है आपको सिंपली इसको डिसेबल करने के लिए *#31#। उसके बाद कॉलर बटन पे आप क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा और आपका आउटगोइंग कॉलर आईडी सर्विस वाज इनेबल मतलब शुरू हो जाएगा, आप अपने मोबाइल से आराम से फिर से कॉल कर पाएंगे उसको हटाने के बाद। तीसरा जो सीक्रेट कोड है वो बहुत ही यूजफुल है रेडिएशन चेक करने का। हर मोबाइल का एक रेडिएशन होता है, एक सार वैल्यू होता है, जो कि नॉर्मल रखा गया है 1.6 kg/W। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो आपका मोबाइल ख़तरनाक है, आप उसे यूज करना बंद कर दीजिए। इसे चेक करने के लिए आपको अपने डायलर पैड पर डायल करना पड़ेगा *##07#। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सार लेवल आ जाएगा, आप अपने देख लें कि आपके मोबाइल में कितना सार वैल्यू है। मेरे में दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है मोबाइल डिवाइसेज 1.6 W/kg, और आपका जो देख लें आपके मोबाइल का कितना है, तो मेरा दिखा रहा है 0.637, आपका देख लें कितना है। अगर 1.6 से ज़्यादा हो तो आप मोबाइल यूज करना बंद कर दें, आपके सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, आपको कैंसर भी हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं। जो नेक्स्ट सीक्रेट कोड है वो है IMEI नंबर। बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से नहीं जानते होंगे कि IMEI नंबर कैसे चेक करें, जिससे आपका फ़ोन खो गया या किसी अन कंडीशन में चोरी हो गया, आप FIR कर सकें। आपके मोबाइल की आइडेंटिटी के लिए होता है, हर मोबाइल का अलग अलग हर मतलब मोबाइल ही नहीं, हर गैजेट जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है उसका एक अलग IMEI नंबर होता है।
इसको चेक करने के लिए आपको अपने डायलर पैड पे डायल करना होगा *#06#, और आपका IMI नंबर और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन। जो नेक्स्ट सीक्रेट कोड है और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको बोलते हैं टेस्ट मोड। अगर आप किसी का पुराना मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे कि मोबाइल सही है कि नहीं सही है, उसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं, ये चेक करने के लिए आपको मैं आज इतना यूजफुल सीक्रेट कोड बताने जा रहा हूँ, जिससे आप मोबाइल के सारे पार्ट सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपने आप हाथ से ही चेक कर सकेंगे, किसी भी एक्सपर्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है कि कुछ मोबाइलों में काम नहीं करता है, लेकिन सैमसंग के हर एक मोबाइल में काम करेगा और कुछ ब्रांड के कुछ मॉडल्स में ही काम नहीं करता है। इसे चेक करने के लिए आपको अपने डायलर पैड पर डायल करना होगा *#0*#, और आपका टेस्ट मोड अनेबल हो जाएगा। इससे आप अपने सारे चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं अपना स्क्रीन चेक करने वाला हूँ, इसका कलर रेड कलर सही है, ग्रीन सही है, ब्लू सही है, रिसीवर देख लीजिए, रिसीवर सही है, बिल्कुल सही है, वाइब्रेशन हो रहा है बिल्कुल सही है, डीमिंग मतलब लाइट डीमिंग हो रही है ये भी सही है। ऐसे करके आप सारे पार्ट्स चेक कर सकते हैं, मैजिक कैम मतलब अपना बैक कैमरा चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, सर्वेश्वर भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद आप अपना सेंसर चेक कर सकते हैं, सारे सेंसर आप देखिए, सारे सेंसर आपके काम कर रहे हैं। अगर ऐसे फ्रीक्वेंसी ना बदले तो समझ लीजिए सेंसर ख़राब है। मेरे देखिए सारे सेंसर की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं, आप अपना भी चेक कर लीजिएगा जो मोबाइल पुराना ख़रीद रहे हैं। इसके बाद होता है टच, आप अपना पूरा टच चेक कर सकते हैं बाहर बाहर ही कि कहाँ काम कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। इससे आप पूरी तरह से आप बाहर बाहर ही अपना सारे पार्ट चेक कर पाएंगे टेस्ट मोड के मदद से। ये बहुत ही यूजफुल कोड है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप लोग पांडेटेक के साथ बने रहें। आगे इससे भी अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे। आप स्पीकर चेक कर लीजिए, यहीं से बाहर से स्पीकर चेक कर सकते हैं। सॉरी मेरा आप फ्रंट कैमरा चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। LED मतलब नोटिफिकेशन LED, सारे LED काम कर रहे हैं। ऐसे करके आप सारे पार्ट चेक कर सकते हैं, इसके लो फ्रिक्वेंसी, ब्लैक, सारे चीज़। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप नीचे अपना कमेंट ज़रूर दें। साथ ही आपको आप अपना सुझाव दें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या इसमें खामियां हैं, और किस टॉपिक पे मुझे अगले वीडियो बनाना चाहिए। साथ ही दिए गए पोल में अपना वोट ज़रूर करें। धन्यवाद।